तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेंग और बाकी सभी लोग अभी एक दूसरी जगह पर आ चुके थे। इस जगह पर आने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो साथ में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अकेले आगे बढ़ने में बहुत खतरा है। और यहाँ पर अभी वो मोंग जैसा दिखने वाला कल्टीवेटर जिसका नाम युआन है, वो उन्हें लीड कर रहा था, क्योंकि हेडमास्टर ने उसे ही इस चीज की जिम्मेदारी सौंपी थी। वैसे भी वो इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स टीम ना बनाते हुए अकेले ही अलग चला जाता है, क्योंकि उसे अकेले ही आगे बढ़ना था। अब इस पार्ट को शुरू करने से पहले एक चीज पूछनी थी। दरअसल आप तो जानते ही हो कि हमारे चैनल पर व्यूज कितने ज्यादा कम हो चुके हैं, और अभी तो सब्सक्राइबर्स के हिसाब से पूरे 50% व्यूज भी नहीं रहे। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। और हाँ, पूछना ये था कि हम हमारे में और अच्छा क्या कर सकते हैं, आप बस हमें अपनी कमी बता दीजिए, हम उस पर काम करेंगे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। ये लोग अब उस जगह पर आगे बढ़ने लगे थे जहाँ आगे बढ़ते हुए अभी कुछ दूर आ चुके थे। जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उन्होंने सुना था कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा देख रेख कर आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि पीली ड्रेस वाला लड़का सामने पहाड़ पर से एक बहुत ज्यादा बड़े पेड़ को देखता है। वो कहता है कि ये पेड़ नॉर्मल पेड़ों से कितना ज्यादा बड़ा है, मुझे ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं लग रहा। तो इस चीज पर वहाँ वो शेंग कहती है कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक खास पेड़ है जिसके अंदर घोस्ट एनर्जी, कल्टीवेशन एनर्जी, हेवन और अर्थ की स्पिरिट सब कुछ एब्सॉर्ब है। और अब जैसे ही ये सब बात वो डेसिपल सुनते हैं, तो पहले ही आगे जाने के लिए लगते हैं। ये देखकर युवान उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, आगे जाने में खतरा है। लेकिन अब वो लोग तो आगे बढ़ ही चुके थे, अब किसी को भी कोई खतरा तो दिख नहीं रहा था। मगर तभी हम नीचे नोटिस करते हैं कि खाई के अंदर एक बड़ा सा स्केलेटन मॉन्स्टर छुपा हुआ है। और अब जैसे ही ये लोग उस खाई के ऊपर से निकलने वाले थे, तभी वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो लोग वहीं पर कैद हो जाते हैं। कैद होने से मतलब ये है कि उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एनर्जी से बना हुआ टॉर्नेडो वहाँ हवा की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उनकी पावर को पकड़े हुए था। अब ये देखकर बाकी पीछे सारे डेसिपल भी शॉक थे। यहाँ पर युवान कह रहा था कि इस तरह का स्केलेटन मॉन्स्टर आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ये हमारे यहाँ पर नहीं रहते, पर इसे देखकर इसकी पावर का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं, ये जरूर स्पिरिचुअल रियलम के बहुत हाई लेवल पर है, तभी इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब दोस्त की जान खतरे में देखकर यहाँ चेंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त शियाओ से रोक देती है और कहती है कि तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, हम सब मिलकर जाएंगे तो इसे हरा ही देंगे। लेकिन इस पर युवान कहता है कि नहीं, अभी तक हमें इसकी पावर नहीं पता, इसे तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे, इससे फाइट सिर्फ मैं ही करूंगा। अब हम देखते हैं कि वो आगे बढ़कर उस बड़े से टोर्नेडो पर हमला कर रहा था, लेकिन इस चीज से उस टोर्नेडो का एनर्जी सर्कुलेशन नहीं टूट पा रहा था, और वो पहले की तरह ही वहीं पर बना हुआ था। इस चीज से बाकी सारे डेसिबल बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि यहाँ पर युवान की पावर से उसे दौड़ने वालों के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। उन लोगों को डर इस बात का था कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि युवान तो उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद युवान भी अपना अटैक रोक देता है, क्योंकि वैसे भी उस अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा था। इसके बाद अब थोड़ा पीछे आ जाता है, और वहाँ पर आकर वो अपना वेपन कास्ट समन कर लेता है। उसके पास एक गोल्डन व्हील वेपन है, जिसके यूज से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस करते हुए स्केलेटन पर अटैक करता है। अब इस चीज से उस स्केलेटन को कुछ खास चोट नहीं आई थी, लेकिन जब वो उसके सर पर लगता है तो उसे दर्द होता है, और इस वजह से उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट जाता है। अब ये टॉर्नेडो वहाँ से गायब हो जाता है, और साथ ही इसी की वजह से वो सभी लोग आजाद भी हो चुके थे और वहाँ से थोड़े से दूर भी चले गए थे। अब यहाँ वो स्केलेटन मॉन्स्टर युवान के ऊपर अपना खास पावर अटैक करता है, लेकिन यहाँ युवान ने भी अपने वेपन की मदद से उसके हाथ को रोक लिया था, जिसके बाद वो स्केलेटन दूसरे डायरेक्शन में उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। ये देखते हुए युवान तुरंत उस जगह से हट जाता है, वो बहुत तेजी से स्केलेटन की दूसरी साइड आ रहा था, लेकिन स्केलेटन भी मुड़ते हुए अपनी एनर्जी की उसकी तरफ हमला कर देता है। यहाँ बाकी सभी डेसिपल भी उनकी फाइट देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, साथ ही चेंग भी बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। अब यहाँ पर उसका अटैक से बचने के लिए युवान बैरियर क्रिएट कर लेता है, ये उसने अपनी एनर्जी की मदद से क्रिएट किया था, इसने उस स्केलेटन की एनर्जी को रोक लिया था। लेकिन फिर वो स्केलेटन आगे बढ़कर उस बैरियर के ऊपर जंप करता है और बैरियर पर बार बार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अब बैरियर को इस चीज से कुछ नहीं हो रहा था। मगर इसके बाद फिर से स्केलेटन भी हवा में आता है और फिर हम अपने सिंग को आगे करते हुए सीधा उस बैरियर पर दे मारता है। इसकी वजह से उस बैरियर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, उसके बाद उसकी एनर्जी आपस में बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो बैरियर ब्लास्ट कर जाता है, और उस बैरियर के ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर युवान उसके ब्लास्ट होते हैं दूर आते हुए अपने वेपन से फिर से उस स्केलेटन पर हमला करता है, लेकिन इस बार भी सामने से स्केलेटन को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी थी, बस उसे और ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था।
हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो स्नो लेडी की स्टूडेंट है वो अपनी तलवार निकाल कर कह रही थी कि हमें भी युआन की मदद करनी चाहिए, लेकिन युआन उन सभी को रोक देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खतरा है। अब युआन अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस फॉर्मेशन के बाद वहां पर उसकी धर्मा बॉडी आती है जो कि थी बामा धर्मा बॉडी। इसका साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो धर्मा बॉडी अपना हाथ आगे करते हुए स्केल्टन के ऊपर हमला करती है। अब उसकी वजह से स्केल्टन बॉडी में क्रैक्स बनना स्टार्ट हो गए थे और इसके बाद उसमें एनर्जी निकलती है और वो वहां पर ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट होते ही सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और सब बहुत ज्यादा खुश भी थे और कह रहे थे कि फाइनली ये हार ही गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी युआन की धर्मा बॉडी वहां से वापस जाने लगी थी और अभी सब लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनकी खुशी ज्यादातर देर तक टिकती नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर अचानक से बहुत सारी वाइन्स आ जाती हैं जो कि इन पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। वो वाइन अभी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ये सब बस अभी उनसे बच रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर देर तक वो बच नहीं पाते क्योंकि उन वाइन्स का साइज लगातार बढ़ते ही जा रहा था। और अब उन्होंने एक डेसिबल को तो पकड़ लिया था और साथ ही वो वाइन सभी पर भारी पड़ने लगी थी। यहाँ पर हम चेंग को देखते हैं जो कि वाइन्स को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से किसी तरह का अटैक उसकी तरफ आता है और सभी पॉइंट्स को एक एक कर कर काट देता है। अब इसके बाद वाइन्स भी वापस लौट चुकी थी और यह अटैक और किसी ने नहीं बल्कि मार्क्स ने ही किया था। सभी लोग उन्हें देखकर शॉक थे, लेकिन वो आते हैं तो फिर से आगे को बढ़ जाते हैं और तभी उसी वक्त वहां नीचे खाई में से एक आवाज आती है जो एक आदमी या फिर किसी डिमन की थी। वो कह रहा था कि इतने सारे लोग तो यहाँ पर पहली बार आए हैं, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज तो मेरे खाने का इंतजाम ऐसे ही हो गया। मगर इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।